हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन गेम में। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में, जिसमें कि हमने जो है दो ब्रॉडबैंड यहाँ पे ले रखे हैं। एक हमारे पास BSNL FTTH है, जिसमें कि साइरोटेक वाला BSNL FTTH है, और ये एडल एक्सट्रीम फाइबर है। इसमें जो है हमारा 5 GHz का राउटर मिलता है एंड 2.4 GHz का भी इसमें रहता है, और ये सेवा आपका 2.4 GHz इसमें ओनली सपोर्टेड है। ठीक है, दोनों की ये देखते हैं, ड्यूल एंटीना के साथ आते हैं, और इसमें ये देख सकते हैं इसमें जो है दो लेन पोर्ट है, इसके अंदर भी दो लेन पोर्ट है। ठीक है, ये दोनों जो है कनेक्टिविटी है, और दोनों में इंटरनेट स्टेब्लिश है, और ये बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और दोनों की स्पीड टेस्ट जो है अभी चेक करके बताएंगे आपको, किसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है, किसमें क्या पिंग रहता है, किसमें क्या लेटेंसी आपको मिलती है अच्छी, और स्पीड देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है मेरे पास 200 Mbps का प्लान है, और इसमें जो है 100 Mbps का मैंने प्लान ले रखा है। अगर हम दोनों राउटर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जो है इसकी और डिटेल ले सकते हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो अपन एडल एक्सट्रीम फाइबर है, इसमें कोई वेंडर सिस्टम नहीं होता है। इसके अंदर आपको जो कनेक्शन मिलेगा वो, जैसे कि मैंने 100 Mbps वाला प्लान लिया है, तो उसके साथ ऑफर है 100 Mbps प्लान के साथ, कि अगर आप 3 महीने का एडवांस पे करते हैं प्लस 18% टैक्स, तो आपको जो है इंस्टॉलेशन और राउटर वगैरह सब कुछ फ्री दे देंगे वो लोग। और BSNL में ऐसा कुछ नहीं है, BSNL में जो है वेंडर सिस्टम होता है, वो लोग जो है प्राइवेटली इंस्टॉल करते हैं सब कुछ। उसको आपको जो है राउटर का भी पे करना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन का भी आपको पे करना पड़ता है, ये केबल्स वगैरह का और ये बॉक्स वगैरह इसका भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि आपको एडल में जो आपको फ़ायदा मिल जाता है, और इसमें BSNL में आपको ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और स्पीड के बारे में देखा जाए तो स्पीड दोनों की बराबर है, और अगर पिंग की बात की जाए तो पिंग मेरे एरिया में जो है अभी एयरटेल का सही आता है, और BSNL का भी ठीक ही आता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बढ़िया तरीके से अपना काम हो जाता है। अगर आपको गेमिंग करनी है एक्सट्रीम लेवल पे, तो आप एयरटेल पे जा सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल वर्क करने हैं, ऑफिस वर्क करने हैं, तो आप BSNL FTTH पे जा सकते हैं, क्योंकि BSNL जो है गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें जो है आपको सारे जितने भी वर्क होते हैं ऑफिस वर्क, वो आपको आसानी से इसमें काम करेंगे, और इस पर भी करेंगे, पर ये BSNL को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो आप ऑफिस वगैरह के लिए जो है अपना BSNL FTTH ले सकते हैं, और अगर आपको होम यूज करना है या फिर अपने गेमिंग वगैरह करना है, तो आप एडल एक्सट्रीम फाइबर के पास जा सकते हैं, और दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। और वो एरिया पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कैसा सिस्टम है और कैसी स्पीड आती है, तो वो सब अपने एरिया पर डिपेंड करता है। और आप जो है अपने एरिया में चेक करें अपनी जगह पर कि हमारे एरिया में कौन सा अच्छा है, आप वही लें। मेरे एरिया में तो दोनों ही अच्छे चलते हैं, और हमारे यहाँ जो है दोनों ही लगे हुए हैं। तो इस राउटर में ये बेनिफिट है, ये 5 GHz भी है, और इसमें एक USB सपोर्टेड भी है, जिससे कि आप जो है USB वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं, अपनी USB लगा के अपनी जो है कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने USB डिवाइस को, जैसे कि अपन इसमें हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, अपनी पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, उसे अपन एक्सेस कर सकते हैं। वो फीचर्स इसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये 2.4 GHz है, और इसकी अगर मैं बात की जाए तो 2.4 इसका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका इतना इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है 2.4 GHz, और 5 GHz तो इसका इतना जोर तक नहीं जाता है, पर इसका जो 2.4 GHz वो काफ़ी अच्छा है साइरोटेक का, और मैं इसको मानता हूँ कि हाँ ये अच्छा है, इसका 2.4 इतना अच्छा नहीं है, इसका काफ़ी अच्छा है। उसको आप एज एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, इससे अपन कनेक्ट करके ब्रिज मोड से, अगर उसकी आपको वीडियो देखनी है तो लिंक में डली है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज मोड के थ्रू, इसको आप एक्सटर्नल राउटर के तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका 2.4 आपको यूज़ करना है तो दोनों ही मॉडम से आप जो है राउटर से जो है काफ़ी सारी डिवाइस जो आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, और वायर के थ्रू मैंने बताया आपको दो लेन है, तो दो ही लेन कनेक्ट होंगी, और वायरलेसली आप जो है काफ़ी सारे कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा, एयरटेल तो बोलते हैं हम 50 कनेक्ट कर सकते हैं, वो दोनों में ही हो जाएंगे, दोनों ही सपोर्टेड हैं, अपनी कैपेबिलिटी है दोनों के पास। और स्पीड अपनी जो है आप जितना प्लान ले सकते हो ले सकते हो, 300 वाला लेना 300 ले लो, 200 वाला 200 वाला ले लो। ठीक है, इसमें 200 है, इसमें 100 है, अभी स्पीड टेस्ट पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो जो स्पीड टेस्ट है हम वो जो है कंप्यूटर पे करेंगे लैन के थ्रू, ये लैन गई है, एक लैन ये गई है, एक लैन ये गई है, तो ये दोनों लैन जो है मेरी कंप्यूटर की तरफ गई हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ से उधर पे कंप्यूटर की तरफ, मेरे दूसरे रूम में कंप्यूटर रखा है वहाँ पे गए, तो कंप्यूटर में जो हम चेक करेंगे, इसमें जो है मैंने 1 GB वाला जो पोर्ट होता है उसमें कनेक्टेड है दोनों का। ठीक है, तो 1 GB वाले पोर्ट में जो हमने कनेक्ट कर रखा है, और उससे हम जो है स्पीड टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए। वैसे इस वाले जो राउटर में है सेकेंड पोर्ट है इसका 1 GB, अभी जो है मैं इसको केबल चेंज करूँगा, और इसमें जो है दोनों ही 1 GB है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें जो है सेकंड वाला है। ओके, वो अपने कंप्यूटर में भी आपको देखना पड़ेगा, ऑरेंज लाइट जलती है, मैं वो आपको दिखाऊंगा, चलिए
पैच कॉर्ड में है, बिल्कुल सेम पैच कॉर्ड होता है जैसे इसका पैच कॉर्ड है वैसे इसका पैच कॉर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस इसमें कलर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ईपॉन जीपॉन की वजह से ये हो जाता है। अगर आपको ईपॉन जीपॉन का कॉन्सेप्ट समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं, OLT वगैरह की जो है वो आपको मैं दिखा दी है, उसमें आप देखिए आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। और मैं एक्सप्लेन की रखा है ONT भी, क्योंकि ONTs क्या होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी वीडियो मिल जाएगी, ONT एंड ONE वाली, वो भी आप चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वो दोनों जो एथरनेट केबल वहाँ राउटर्स में लगी थी, एक BSNL की और एक अपना एयरटेल की, तो वो दोनों यहाँ पे आई हुई हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे सिस्टम में। एक केबल मैंने अभी सिस्टम में लगा रखी है अभी, और एक केबल जो है ये फ्री पड़ी हुई है। तो अभी दोनों का जो है हम इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे वन बाय वन, पहले इसको लगाएंगे फिर उसको लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस में क्या स्पीड मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम जो मेरा चालू है और यहाँ पे देखिए आप ऑरेंज लाइट चल रही है, ऑरेंज ब्लिंक हो रही है देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जो है 1 GBPS पोर्ट से जो है कनेक्टेड है और इसमें आपको जो है 1 GBPS स्पीड मिल सकेगी आसानी से। अगर आप 300 MBPS का प्लान लेते हैं तो इसमें 300 से ज़्यादा स्पीड आपको आराम से इस सिस्टम पे मिल जाएगी। ओके, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको लेन पोर्ट पे ही दिखाऊंगा, जो अगर आपको डिटेल में स्पीड टेस्ट देखनी है तो इसकी वीडियो जो मैंने डाल रखी है वो ऑलरेडी आप देखिए, वहाँ पे जाके मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी और आई बटन में भी आप देख सकते हैं वो वीडियो, वहाँ से आपको और डीपली मिल जाएगी क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है मल्टीपल स्पीड जो है टेस्ट किया है अलग अलग बैंड्स में, तो वहाँ से आप जो है वहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो आपको और आसानी मिलेगी स्पीड पता करने में कि किस में बेटर सर्विस है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी लैंड से ही चेक करूँगा, एयरटेल की भी और अपनी BSNL की भी। तो यहाँ पे पहले एयरटेल की देखते हैं जो कि मैंने नोएडा सर्वर से कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पे आपको जो है 1 GBPS की स्पीड मिलने को मिलती है और देखते हैं इसमें कितना मिलता है। वैसे तो मिल जाती है इसमें अभी 17 MSS में आ रहा है और स्पीड देख सकते हैं आप यहाँ पे 600 के आसपास पहुँच चुकी है, 600 MBPS के आसपास इसमें स्पीड जो है टच की है। कभी कभी यहाँ पे 700-800 भी टच कर जाता है, पर वो डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर कि वहाँ से कितनी मिल रही है। इस सर्वर पे जो अपन को स्पीड जो है ज़्यादा ही मिलती है एयरटेल में, देखिए यहाँ पे देखिए 800 के आसपास पहुँच चुकी है। तो ये जो हम क्योंकि 1 GBPS के पोर्ट्स में कनेक्ट कर रखा है इस वजह से यहाँ पे 800 MBPS की पास पहुँच रही है, बस 200 MBPS कम है तो 1 GBPS की स्पीड आने लगेगी। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से हमारा जो है कंप्यूटर काम कर रहा है और ये आप स्पीड रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं BSNL के रिजल्ट की BSNL FTTH से क्या स्पीड हमको मिलती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्पीड देख लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए अब 200 MBPS जो है स्पीड क्रॉस कर रही है, देख सकते हैं अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है पर आप देख सकते हैं आपकी बेसिकली आपकी डाउनलोडिंग की नीड रहती है तो डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। और पिंग भी देख सकते हैं आप 20 MS जो कि बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत ही अच्छे से रियल टाइम काम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं 215 स्पीड आ रही है और कोई इशू भी नहीं है। देखिए फास्ट नेट में देख ली तो फास्ट नेट में तो देखिए 300 क्रॉस किया था एक सेकंड के लिए, मैंने अभी स्पीड टेस्ट किया था एक बार तो उसमें 500 भी क्रॉस हो गया था, अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, पर यहाँ पे देख लीजिए अपनी स्पीड आराम से आ रही है। पिंग भी देख सकते हैं 20 MS और 18 MS आ रहा है और यहाँ पे आप टास्क मैनेजर में भी देख सकते हैं और यहाँ पे दोनों में देख लीजिए आप। और यहाँ पे देखिए डाटा में 500 अपना जो डाटा है वो कितना 620 MB जो डाटा मैंने अपलोड कर दिया है। तो चैनल की तरफ आ जाते हैं और जो चैनल में आपको काफ़ी सारी इस वीडियो मिल जाएंगी तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसमें डालता रहता हूँ। अभी आप जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं आपको देखनी है, अगर आपको स्पीड टेस्ट वगैरह में देखना तो ये है, अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस और जितनी भी जानकारी लेनी है तो वो ये देख लीजिए, अगर आपको वाईफाई वगैरह की सेटिंग चेंज करनी तो ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको ड्राइव के बारे में बात करें तो ये आप गूगल ड्राइव की स्पीड है। और यहाँ पे जो ये वीडियो जरूर देखें जैसे कि मैंने इसमें जो है मैंने पूरा आपको 15 दिन का एक्सपीरियंस बताया है कैसे क्या होगा, ये मैं आप जरूर देखिए। और आपको गेमिंग से इंटरेस्ट है तो आप पबजी का ये भी वीडियो देख सकते हैं और एयरटेल एक्सट्रीम का तो ये आपको वीडियो है ही जो कि अपना एयरटेल 4G जो एग्रीगेशन होती है उसकी स्पीड टेस्ट है। तो आप ये वीडियोस देख लीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको और भी वीडियोस देखनी तो 5G के ऊपर टॉपिक देख सकते हैं, पिंग्स के ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मेरी जो पुरानी वीडियो वो जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी डीपली नॉलेज मिल जाएगी फाइबर कनेक्टिविटी के बारे में क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बस इतना ही बताना था मैं जो वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।